और ये क्या आपकी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी उसके बाद क्या उनका सारा स्वभाव उनका बिहेवियर उनका आपका सारा जिन ओवरऑल लाइफ ठीक है तो लाइव सॉरी आपकी जो जोडिय साइंस है, आज सन साइंस आपकी ओके आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा आई कैन रिपीट पाइल वन स्कॉर्पियो कैंसर एंड थोड़ास और ड्यूटिवली ग्रुप चूज करने वालों के लिए है ये पिंक कलर का बटरफ्लाई और जो है बल टू ग्रुप टू वाले आपके जो साइंस हैं सजिटेरियस लिब्रा कैप्रिकॉर्न वर्गो जमिनाई एंड एकस राइट एंड आपके लिए है ये गोल्ड वाला बटरफ्लाई टू चूज़ करना है तो यू कैन सी दीज बोथ ब्यूटिफुल बटरफ्लाईज ओके तो आई सी यू ऑन योर रीडिंग आपके टाइम्स टाइम्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आई सी यू देयर एंड या है ओ पलवान ये वाले आपके सोडिय साइंस हैं यहाँ पर बटरफ्लाई चूज़ किया आपने कम ओ लेट्स के क्या आपकी रीडिंग है ओके एंड लेट्स सी देयर फॉर यू सबसे पहले हम देखेंगे कि वेदर इज़ गोइंग टू बी लव मैरिज या अरेंज मैरिज ठीक है हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इस रीडिंग में बिकॉज इट्स डिफरेंट ओके okay. पहले हम देख रहे हैं कि इज इट लव मैरिज या अरेंज मैरिज uh, आपके पास है जी नाइन ऑफ वैंस एंड टेम्परेंस नाइन ऑफ एंस टेम्परेंस टू ऑफ वैंस किंग ऑफ पेनिकल्स फोर ऑफ सोर्ड्स गाइज एप्सोलूट यहाँ पर क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपकी शादी में है कि आपकी फैमिली का इन्फ्लुंस है और अच्छा खासा है ठीक है और बात यह है कि स्टिल uh, अगर आपको कहीं पर लव भी होता है आप मतलब ज़बरदस्ती भी यू वॉन्ट टू डू सम लव अरेंज मैरिज बट होगा यूँ कि आपकी फैमिली फिर भी इंटरफेयर करेगी आपको उनसे इजाज़त लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा आपको फ्री हैंड नहीं दिया जा सकता आपकी फ़ैमिली से कि जो मर्ज़ी करो जिससे मर्ज़ी जाके ब्याह रचा लो जिससे मर्ज़ी जाके शादी कर लो ठीक है नो no. तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप पे से जो लवर्स हैं जो हु आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप उनको फाइव ऑफ वैंड नाइन ऑफ सोर्स बहुत फाइट करनी पड़ेगी अपने रिश्ते को बचाने के लिए अब मतलब अपने घर वालों को मनाने के लिए ठीक है बट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर टेन ऑफ कप्स है अल्टीमेटली यहाँ पर यूनियन है और आपके इनसे तीन बच्चे हो सकते हैं लड़कियाँ ज़्यादा है, है यहाँ पर बच्चियाँ ओके okay? बच्चों में से एनी वेज इट डज़ेंट मैटर ऑफ कोर्स के लड़की है या लड़का है बस हेल्दी हों बच्चे एनीवेज मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड के आपको एक बैलेंस तो बना कर रखना पड़ेगा टेम्परेंस कार्ड के साथ आपको एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा आपको एक तरीके कार से चलना पड़ेगा आपकी शादी में आ, एक तो गैस आपकी जो हस्बैंड है जिसके साथ आपकी शादी होगी ही इज़ बैलेंस्ड पर्सन ठीक है आपकी फैमिली ऑब्वियसली चुनेगी इनको और अगर आपका किसी सारा रिलेशनशिप है या नहीं है डजेंट मैटर अगर जो उन्होंने चुना आपके लिए आपके घर वालों ने वो आई एम गेटिंग वेरी वेरी फ्रैंक ठीक है वो चुनेंगे देख के पैसे वाला <laughs> यानी कि आप खुश रहो आपको कल को तंगी ना दे आपको घर में परेशानी ना हो बच्चों के खर्चे की अपने खर्चे की कोर्स अगर आप जॉब नहीं भी करती करती भी हो तो भी यू you नो know, स्टिल आपको हस्बैंड की जरूरत पड़ती ही पड़ती है इस चीज़ को आ, रखते हुए ध्यान में आपके जो पेरेंट्स हैं वो ऐसा लड़का चुनेंगे जो, जो कि अच्छा कमाता हो ठीक है हर पेरेंट यूँ ही करता है ये कोई इतनी निराली बात नहीं है हर पेरेंट की सेम डिज़ायर ही होती है कि हमारी बेटी ऑफ कोर्स अच्छे घर में जाए और ये कि हमेशा फिनेंशियली उसको एटलीस्ट तंगी ना हो तो एनी वेज पर्सन आपके अमीर हैं और सच में और रिच हैं रिच फैमिली है और ख़ुद कमाते हैं इंडिपेंडेंट हैं बिजनेस होल्डर हैं कोई जॉब ही अगर हुई तो अच्छी खासी जॉब हो गई गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है ठीक है एंड ये पर्सन काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है ओके इसकी लाइफ में रोमांस इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ध्यान दें कि रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वो उसकी पत्नी है उसकी वाइफ है उसके बच्चे हैं ही इज़ अकाउंटिबल टू दैट ठीक है तो ये सब है उसका पर्सन का आपके मसला एनी वेज बहरहाल फैमिली इन्फ्लुएंस बहुत हाई है पहलवान फैमिली की मर्जी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर ठीक है अगर आपकी ये सोचा कि हम भाग जाएंगे या हम लड़के कर लेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी फैमिली इंटरफेयर करेगी ही करेगी और हो सकता है वो चुने भी आपके लिए खुद ही ठीक है और अगर आपको अपनी मर्जी की करनी है तो आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा ठीक है और अच्छा खासा कन्विंस करना पड़ेगा बड़े बड़े सबूतों के साथ एनी हाउ बराबर आप दोनों तो मिल जाओगे डोंट वरी ठीक है चलो कम ऑन लेट्स मूव फॉरवर्ड के हाउ ही विल ट्रीट यू आपकी फैमिली लाइफ कैसी होगी वेडिंग के बाद मैरिज लाइफ इनके साथ एट ऑफ कारमा ंग ऑफ कप्स ऑफ कप्स एंड एट ऑफ मैं गाय सिक्स ऑफ कप्स आया है तो मैं आप कह सकती हूँ हो सकता है आपके एक्स हो पॉसिबिलिटी है ठीक है जिसके साथ आप शादी करें uh, पास्ट लाइफ की कोई एनर्जी आ रही है आपकी कोई पास्ट की चाइल्डहुड एनीथिंग बट एनी वेज यहाँ भी हो सकता है कि आपकी पहले कोई रिलेशनशिप रहा हो तो वो टूट गया हो ठीक है बट फिर पता नहीं क्या हुआ हो या कुछ इस तरह की मुझे लग रही है कोई गड़बड़ लग रही है उसके बाद से आपके पेरेंट्स खुद ही आपका उधर कर दें कुछ इस तरह का सिस्टम भी लग रहा है एनी वेज ये किसी स्पेसिफिक के लिए सब के लिए नहीं है सो डोंट गेट यू नो उसमें नहीं तो आपने रेस्ट्राक नहीं होना ये क्या बात हुई एनी वेज मूविंग फॉरवर्ड गाइज किंग ऑफ कप्स है दिस इज़ एब्सोल्युटली जेंटल पर्सन बहुत रोमांटिक है इनके रोमांटिक डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा है इनकी मैरिड लाइफ आपके इनके साथ ऐसी रहेगी कि आपको लव बहुत मिलेगा इनसे बहुत लविंग है ठीक है और ये है कि कही न, कहीं ना कहीं यह पर्सन स्पिरिचुअलिटी में होगा स्पिरिचुअल होगा ठीक है और एट ऑफ ये काफ़ी पॉजिटिव भी है मतलब इनको फ्यूचर का बहुत ध्यान रहता है कि आगे क्या करना है इज़ अ बिग प्लानर फ्यूचर प्लानर ओके एंड कारमा कार्ड के साथ डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी एक तो कारमा पे बिलीव करता है ठीक है कि जैसा मैं करूँगा वैसा मुझे आगे से भोगना पड़ेगा ऐसा मतलब तो वैसे मुझे, मुझे मिलेगा ठीक है एक तो ये चीज़ है दूसरी चीज़ ये कि ये पर्सन डिफरेंट हैं गाइज़ आपको मतलब तो इस तरह से इन्होंने ट्रीट करना है कि आप खुश रहो बस इनके लिए आपकी खुशी मैटर करती है इनको यह है कि अच्छा ये बड़ा सेंसिबल पर्सन है इसको पता है कि अगर मैंने दो काम किए ना तो ये हमेशा मैं हम खुश रहेंगे एक इसको इसके हिस्से का प्यार में दूँ मैं इसको इससे की मोहब्बत दूँ दूसरा ये कि इसकी जो मटेरियल नीड्स हैं वो पूरी हों कि अगर वो उनके सोच में ऐसा है पता नहीं आपकी प्रायोरिटी क्या है उनके सोच में ऐसा है कि दो चीज़ें अगर मैंने इसको दे दी प्यार मोहब्बत और दूसरी चीज़ के मतलब पैसे कोई तंगी ना हो तो हमेशा हमारा जो फ्यूचर है ब्राइट है हमेशा हम कभी नहीं होंगे कभी मेरे को छोड़ के भी जो है वो नहीं जाएगी ठीक है तो बहरहाल ये एक बड़ा ही बड़ी प्रैक्टिकल सही <laughs> टिपिकल अरेंज मैरिज है द साइंस आर कॉशनिंग यू हम्म आई थिंक सो आपकी इस मैरिज में ट्रबल्स आएंगी शुरू में मैरिज के बाद नहीं मैरिज से पहले एक दूसरे से मिलने में ठीक है सो बी वेरी केयरफुल हीलिंग फैमिली इश्यूज़ आपको अपने पास्ट को हील करना पड़ेगा पहले इस रिलेशनशिप को आगे चलाने के लिए ठीक है आपको फॉरगिव करना पड़ेगा अपने आप को या अपने एक्स को या जो भी है या अपनी फैमिली को जो जिससे भी मसला क्रिएट किया है आपकी लाइफ में कभी यू हैव टू फॉरगिव दैट ठीक है भूल जाओ फॉरगिवनेस का एक वास्ट मीनिंग है फिर कभी इस पर रीडिंग बनाऊँगी फॉरगिवनेस का आप लोग गलत समझते हो कि माफ़ ही क्या मतलब किस को माफ़ करना मतलब वाट इज़ दिस लाइक इसका एक बहुत डीप मीनिंग है आपको मैं आप बता बिता देती हूँ माफ़ करने का मतलब होता है जस्ट फॉर गेट अबाउट जो भी हुआ बुरा ठीक है अपने आप को सबसे पहले माफ़ करो कि मेरे से ये हुआ मैंने ये ये किया बस ठीक है जो होगा सो होगा जस्ट लेट गो ठीक है आपको मैं शॉर्ट में बताऊँ ना अगर इसका मतलब है लेट गो जाने दो जो हुआ सो हुआ ठीक है हील योर सेल्फ हील योर हार्ट आपका फ्यूचर ब्राइट है कम ऑन लेट्स मूव फॉरवर्ड शुरू में हो सकता पी केमिस्ट्री ठीक ना बने आपको हेजिटेशन हो आपको लाइक थोड़ा फील लगे शुरू शुरू में लेकिन इन द एंड ठीक हो जाएगा लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज मैंने आपको फिर से कहा था अभी देखें आप खुद ही विकास से निकल के आ रहे हैं सेम एनर्जी लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो लेट गो हालात जैसे चल रहे हैं उनको चलने दो गो विद द फ्लो ठीक है डिवाइन ने जो यूनिवर्स ने प्लानिंग किया हुआ है आपके लिए लेट इट अनफोल्ड इट इसको खुद से खुलने दो खुद मत खोलो इसके पर ये है है तो वैसे हो गया पास्ट ये हो गया पर्सन प्रेजेंट ये है फ्यूचर वो होगा मैं क्या करूँ ये वो ओ भाई छोड़ दो ठीक है डिवाइन <laughs> प्लानिंग को हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते भूल जाओ इस चीज़ को ठीक है एंड जस्ट लेट को जिस तरह ज़िंदगी चल रही है उसको चलने तो कंट्रोल में हर रीडिंग में बताती हूँ ना कंट्रोल क्या करो हम अपने माइंड में पता रिमोट ले के बैठे होते हर चीज़ का ये ऐसे नहीं ये तो ऐसे होना चाहिए था ये ऐसे नहीं ये तो वैसे होना चाहिए था नो क्या हो गया आपको ठीक है आप नहीं कर सकते अपनी एक जगह अपनी वीकनेस हम जब मान लेते हैं ना कि भाई हमसे ये नहीं होगा हमारी इतनी औकात ही नहीं है चुप कर जो उस चुपे बली है जिसको कहते हैं ना चुपे बली है वो भला साफ़ करो तो देन यू विल सी वट नेक्स्ट ओके आपकी हालात खुद ब खुद सेटल ना हुए आपकी चीज़ें खुद ब खुद बेटर ना हुई तो फिर बताना ठीक है तो भूल जाओ रोना धोना जो हुआ सो हुआ मिट्टी पाओ न्यू लव एक नई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले सकते हैं ठीक है और ये या फिर जो आपके पर्सन है ये भी न्यू लव हो सकता है कोई आपका कोई पास रिलेशनशिप बंद हुआ हो ये कोई नया पर्सन हो ठीक है बर कोई ना कोई न्यू लव आ रहा है आपकी लाइफ में ये बता दूँ मैं आपको हंड्रेड परसेंट और बहुत पैशनेट आपका रिलेशनशिप होगा दोनों का ठीक है काफ़ी पैशनेट होगा काफ़ी आप लोग एक दूसरे के यू विल फॉल फॉर ईच अदर एंड अलाउ यू हार्ट एंड सोल टू सिंग विध जोए है यहाँ पर मैसेज आपके लिए इतना ये मज़े का होगा आपका रिलेशनशिप कि आपकी हार्ट और सोल जो दल बोथ विल सिंग विद जॉय ओके एंड वट एल्स मैं ये बता दूँ आपको कि ये पर्सन जो है ना बहुत कम्पोज पर्सनैलिटी है कम्पोज मीन बैलेंस और इसको अपनी जिम्मेदारी का स्पेशली पता है कि मेरी क्या जिम्मेदारी है Uh, अपने आपकी तरफ आपकी तरफ बच्चों की तरफ अपने ससुराल की तरफ मैके की तरफ जो भी आपकी जेंडर है जो भी आप हो आप देख रहे हो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप यूनिवर्स से अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हो एंड इट इज़ एब्सोल्युटली इन दिस इज़ इन ठीक है इनको यह है कि लाइफ में कुछ भी एक तो इनको यह पता है कि लाइफ में कुछ भी मुफ्त में नहीं आता ठीक है वी हैव टू पे द प्राइज़ फॉर इट ठीक है और वो प्राइस जो वो भी है दिस पर्सन इज रेडी टू पे ठीक है और ये जो प्राइस है ज़्यादातर ये पे आपके अपने पॉकेट से करेंगे जो आपके खर्चे हैं ठीक है बिकॉज आई थिंक आप बहुत शॉपिंग के शौकीन हैं एंड या दिस वॉज ऑन अ लाइटर नोट अपना बहुत सारा ख्याल रखना एंड आई एल सी नेक्स्टिंग एंडिल नेक्स्ट टाइम चाओ हेलो हेलो ब्यूटीफुल ये बोले जो आडे एक साइंस है चलिए हम गाइस पहले हम देख रहे हैं कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज विथ योर हस्बैंड कैसी रहेगी आपको कैसे ट्रीट करेंगे सो कमलत सी पहले कि लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी पाइल टू फाइव ऑफ सो King of Wands love marriage or arrange marriage? Spirit, please guide for this group. Is it going to be love marriage or a range marriage? What happened? group two? Anyways, ten of cups nine of swords seven of hands magician king of hands five of swords four of Pentacles and this is the emperor <laughs> emperor oh six of swords cool in area let me check again Oops. फाइल hmm. तो अभी पता क्या बन रहा है आपका मैं बताऊँ डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप डिफ़िकल्टी इन कोपिंग अप विद ईच अदर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं चीटिंग्स मूविंग ऑनस न्यू लाइफ न्यू वेडिंग इस तरह की चीज़ें आ रही हैं फाइल टू पहले तो मैं बताऊँ आपको कि आपको लाइफ में पीछे हंसने वाली बात नहीं है या है तो परेशानी वाली बात लेकिन अब आप हंसो इस चीज़ पे कि आपको लाइफ में वाकई ही रियल में काफ़ी दुख मिले हैं बाइल टू बड़ा उन्होंने चीटिंग्स बर्दाश्त की है लड़ाई झगड़े स्लीपलेस नाइट्स स्ट्रगल्स आम लाइफ में भी या इवन लव माई लाइफ में भी आपको वाकई ही मैं कोई बहुत ही क्या उसको मैं कह दूँ आपसे से ली लई कर गया आपको हुं? और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस रही हैं और लड़ाई झगड़े अब्यूज़ क्या क्या, -क्या बताऊँ मैं वर्ड नहीं आ रहे मुझे एनीवेज आपने बड़ा स्ट्रगल किया है एंड आई रियली सलूट यू पाइल टू आई रियली सलूट बहुत ब्रेव हो आप यहाँ तक पहुँच चुक पहुँच गए हो फिर विरोध हो के जैसे भी ओके okay? और कहीं ना कहीं आपने आप माइंड सेट बना ली कि मैंने आगे जाना है अब ठीक है एनी वेज मूविंग ऑन टू द पॉइंट जो पॉइंट है लव या अरेंज मैरिज का गाइस कोई है यहाँ पर जिसकी पहले अरेंज मैरिज हुई थी लेकिन वो उसमें जो मसले पड़े या फिर एनी वेज आपका सेपरेशन हो गया या डाइवोर्स हो गया तो फिर अब आप यू आर ऑन योर वे और आपको आपका लवर ज़रूर मिलेगा जो आपसे वाकई ही ट्रू लव करता होगा टैर लवर्स कार्ड के साथ ठीक है पाँच नंबर पाँच महीने का टाइम फ्रेम हो सकता है ठीक है गाइस यहाँ पर कोई ख़ास आपकी पेरेंट्स की वाइफ इतनी नहीं आ रही ठीक है यहाँ तो आपकी हंड्रेड परसेंट लव मैरिज होगी एह कोई है जिसके यहाँ पर आई थिंक पेरेंट्स भी नहीं है वो अकेले हैं यहाँ पर और ये पर्सन आपको खुद ही मिलेगा आपके पाइल को ज़रूरत है मैं आपको निकाल के दूँगी कैसे मिलेगा ठीक है एनी वेज गाइज यहाँ पर अरेंज मैरिज नहीं है ठीक है मतलब जो हंड्रेड परसेंट अरेंज मैरिज होती है ना कि बस माँ बाप ने माता पिता ने जिधर कह दिया बस अब उधर ही होगा और आपकी कोई ओकात नहीं आना करने की ऐसा नहीं है ठीक है अगर पेरेंट्स हैं भी हैं आपके तो आपके हाँ में हाँ करेंगे उसकी वजह यह है कि एक तो आपकी शादी तब होगी आपको मैं काफ़ी इंडिपेंडेंट देख रही हूँ उस समय आपकी शादी के समय ठीक है दूसरी बात यह है कि आप जिसको चुनोगे आप जिसको तरफ करोगे मैंने इधर करनी है ठीक है वो पर्सन फोर ऑफ़ पेंटिकल्स के साथ इतना उसकी कंडीशन हर हालात से बेहतर होगी अच्छी होगी कि आपके माँ बाप ने ना नहीं करनी ठीक है अगर आप अभी अर्ली एज में हो छोटे हो आपको ये बात अभी समझ में नहीं आएगी फर्स्ट गेट इंडिपेंडेंट चाहे एक साल लगे दो साल लगे ढाई तीन साल ठीक है या फिर आपको कोई ऐसा पर्सन इंडिपेंडेंट ऐसा मिल जाएगा कि आप बी लाइक क्या अगर आप अपने पेरेंट्स उनको इंट्रोड्यूस कराओगे अभी आपके पेरेंट्स ने कभी भी ना नहीं करनी दे लाइक ओके 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 ठीक है हम इनके पेरेंट्स से मिल रहे हैं जो भी मीटिंग होती है फैमिलीज़ के अंदर सेट ठीक है तो काफ़ी हाई पोस्ट के पर्सन है किंग ऑफ वैंस एंड एम्पर है एनर्जी है आ, हो सकता है आपके जो पिता हैं आपके जो फादर हैं उनका हो इन्फ्लुएंस या ठीक है आ, हो सकता है उनका इन्फ्लुएंस हो कोई ना कोई इस तरह का बट वो बीच में कोई अड़चन नहीं डालने वाले ठीक है आपके पास खुली छुट्टी होगी आपके पार्टनर को सिलेक्ट करने की और उसकी माँ बाप की इतने ज़्यादा इंटरफेयर ना करने की इस रिश्ते में कि ये भी सबसे बड़ी वजह है कि आप जितने जिसको चुना है ना उसमें कोई ख़राबी नहीं है ठीक है वरना आपके पेरेंट्स इतने भी नहीं है कहेगा कहें कि जो खुली छुट्टी है मुझे मारो <laughs> ऐसे नहीं है वो बहुत यू सी ऑफ टैक मैंने डैक पकड़ा हुआ था यू सी दिस टू ऑफ कप्स सोलमेट मेट एनी वे आपको सोल मेट आपको मिलेगा ठीक है और हाँ किसी के चक्कर में यहाँ पर अगेन यहाँ पर चैरिट कार्ड भी आ रहा है आपके लिए एंड यहाँ पर सिक्स ऑफ सोर्स भी है एंड दिस इज ट्रैवल आपको शादी करके कहीं और जाना पड़ेगा यू विल हैव टू मूव योर प्लेस सिटी है कंट्री है वैसे यहाँ पर ओवरसीज़ ट्रैवल भी मुझे कुछ लोगों का लग रहा हो सकता है आप लोग बाहर शिफ्ट हो जाओ ठीक है एम um, क्या yeah, शादी है यहाँ पर लव मैरिज है आपकी अपनी मर्जी से होगी पसंद से होगी और यह पर्सन बहुत इंडिपेंडेंट है लाइफ में फिर जा कर के आपका होगा सिस्टम ठीक है लेट्स सी कि आपको ये कैसे ट्रीट करने वाले हैं एंड हाँ आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी इनके साथ पेज ऑफ पेंटिकल्स एट ऑफ कप्स एट ऑफ सोड्स लूटली सक्सेसफुल मैरिज का इस बेश लव मैरिज है अक्सर एक नहीं होती सुना है ऐसा कि कामयाब नहीं होती लेकिन ये को मैं ज़रूरी नहीं है होती भी हैं अक्सर अरेंज मैरिज भी फेल हो जाती हैं ऐसी बात नहीं एनी वेज हम इस चीज़ पर डिस्कस नहीं कर रहे लेकिन आपकी मैरिज बहुत सक्सेसफुल रहने वाली है अपने पार्टनर के साथ सिक्स ऑफ वैन्स इज़ ऑल अबाउट विक्ट्री जीतना जीत के आना जो भी सिचुएशन थी ठीक है और कहीं ना कहीं मैं से देख रही हूँ ये पर्सन आपकी ब्यूटी को ब्यूटी को बहुत ज़्यादा अडोर करेगा लेकिन इवन विल लव यू फॉर योर लुक्स आपकी सेक्सी लुक्स हैं आपको आपकी कमर है आपके अदर बॉडी पार्ट्स हैं आपकी फेस है, है, बाल हैं शोल्डर्स हैं आपकी हिप्स हैं जो भी ही विल डेफिनेटली फॉल फॉर दैम ठीक है और एट है यहाँ पर एट ऑफ कप्स एट ऑफ सो इज ऑल अबाउट लाइक कैसे इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर सकते हैं बिकॉज सारा ये मेड फॉर ईच अदर है ठीक है क्योंकि आपने ना में पीछे दुख बड़े देखे हैं इसलिए आप इतने ना ऑप्टिमिस्ट नहीं हो इस रिलेशनशिप को लेकर के शुरू में भी नहीं होगे आपको लगेगा कि ये ऐसे ही है जैसे पहला था ना उसने कभी मुझे धोखा नहीं देते कभी मुझे छोड़ ना दे सेल्फ फियर इनर फियर हैं आपके अंदर भर गए हुए हैं मजा अलग हुए निकाल के अब ये वक्त के साथ आप ही लोग हैं ठीक है तो जैसे जैसे वह गुजरेगा ना जैसे जैसे आप दोनों तो एक दूसरे को और जानोगे आपको पता चलेगा कि ट्रू लव क्या होता है ठीक है तो आप लगेगा कि सारे अभी नॉर्मल नहीं होते दुनिया में कोई नॉर्मल भी होता है तो फिर आपकी ये फेयर निकल जाएगा ठीक है डोंट वरी oh, ये पर्सन बहुत एफर्ट करेगा आपको आपका दिल जीतने के लिए आपको सही तरफ गाइड करने के लिए आपका हार्ट चक्रा जो लॉकड है ओपन करने के लिए वेरी मच डूइंग सो मच ओके सो एनी वेज सी सोल मेड अगेन गो सोल मेट यूनियन्स हैं यहाँ यूनियन है आपका री यूनियन है आपकी डिपेंड करता है आप बे बहाल यू आर गोइंग टू गेट मेरेड विथ योर सोल मेड ठीक है किसी ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं आज एंड ग्रीन मुझे और ब्लू कलर ठीक है आपने ट्राउज़र या शर्ट या दोनों इस तरह की किसी कम्बीशन में पहना है या लाइट ग्रे भी हो सकता है आपके लिए स्पेशल मैसेजेस हैं ये एंड या yeah, बहुत ही क्यूट रिलेशनशिप है हाँ हनी मोन गाइज दिस इज हनी लाइफ बहुत रोमांटिक बहुत लविंग आपका पर्सन आपको बहुत प्यार करेगा आप उसे करो या ना <laughs> ठीक है uh, बहुत लविंग है केयरिंग है एंड यू नो आप लोग हमेशा इकट्ठे रहोगे देख लेना पक्की बात है हमेशा इकट्ठे रहोगे घूमा भी रहोगे बहुत है इवन एब्रॉड में भी ठीक है न्यू लव, एक नई तरह से आपकी ज़िंदगी शुरू होगी इसके साथ बोल जाओगे पुरानी वोन्स कत्स सब कुछ ठीक है चलो जी दिस कुड बी द वन अगर आओगे माइंड में कुछ चल रहा है इस टाइम दिस इज़ यस दिस इज़ दैट पर्सन ठीक है अभी आइए आपके मुंह पे हंसी आई नो एंड यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीख मिल चुके हो उनसे लाइफ में एंड आपके माइंड में है आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ एंड रिक्वेटेड लव जो है आपकी पहले रिलेशनशिप में इतनी केमिस्ट्री नहीं थी इतना नहीं था लेकिन यहाँ पर सब जो है ना भरपाई होने वाली है एक्सप्रेस योर लव आपके लिए एक मैसेज है डिवाइन की तरफ से यूनिवर्स की तरफ से आपके नए रिलेशनशिप के लिए <coughs> कि आपको एक्सप्रेसिव होना है लव को शो करना है ठीक है एंड अपनी फीलिंग्स छुपानी नहीं है चुप चुप नहीं रहना और उसको बताना है कि आप उससे कितना प्यार करते हो ठीक है और रोमांटिक जेस्चर्स भी देने हैं ठीक है क्योंकि शायद आप ऐसे हो चुप चुप करके बस घुटते रहते हो अंदर और बताते नहीं हो डोंट बी लाइक दैट आपको जब तक बताओगे नहीं अगले को कैसे पता चलेगा <laughs> है ना कैसे पता चलेगा बताओ कैसे पता चलेगा उसको नहीं पता चल सकता ना ओके okay, मैंने आपके लिए ग्रुप के लिए प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि हाउ यू गाइज़ विल मीट बिकॉज बहुत कॉम्प्लिकेशन uh, है आपके ग्रुप में बहुत आप दुखी हो एंड लेट मी टेल यू हाउ यू गाइज़ विल मीट एंड इज़ पहले तो बात है आप मिल चुके हो हो उनसे लेकिन आपको कन्फर्म करना है कि uh, मतलब वो है कि नहीं तो आपको पता ही होगा आपको ये कैसे मिले थे तो मैं आपको बता देती हूँ हाउ यू गाइज विल मीट ओ ओम गाइज प्रेगनेंट आपको बच्चे होंगे इनसे पर वैसे भी शी विल गिव बर्थ टू योर ड्रीम एज वेल आपकी ड्रीम्स को भी आप पूरा करने की ये या गा जो भी है नाइट ऑफ सो हाउ यू विल मीट ग्रुप टू हरमेट गाइज uh, एक तो यहाँ पर दो वाइब्स हैं ठीक है एक तो वाइब यह है कि हो सकता है आपको ये पर्सन मिले आपके काम के थ्रू आई I मीन mean, जहाँ आप काम करते हो ना कहीं पर भी वहाँ मिल सकते हैं ठीक है दूसरी बात ये यहाँ पर दो रिलैक्सीशन कार्स आए हैं एनर्जी ठीक है एक तो यह कि यह पर्सन आने आपको ढूंढ रहा था पहली बात ठीक है आपको नहीं आ था कि ये कौन है या ये ऐसे मुझे मिल जाएगा या इस तरह आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उस टाइम कि आप पार्टनर ढूंढने में अचानक से कोई डिवाइन अरेंजमेंट ऐसी हुई कि आप दोनों तो जैसे वो कहते ना मेरे मत्थे लग गया <laughs> वो वाला हिसाब है राइट ये ख़ुद ढूंढेगा आपको पर्सन इसने खुद आपको ढूंढा था हेलमेट है सर्चिंग का कार्ड है इसने ख़ुद आपको सर्च किया था डेलीबरेटली यहाँ ना जाते हुए यहाँ जाते हुए इससे फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन फोर ऑफ सोर्स अगेन आपकी रिलैक्स एनर्जी आप तब फुल रिलैक्स थे और अचानक से आप इस पर वारिद हो गए थे कि इधर हो ना तुम ठीक <laughs> है तो कुछ इस तरह का है या आप मिलोगे भी इसी तरह से डोंट डू एनी थिंग मैं आपको पहले भी इसीलिए बताती हूँ लेट गो बट पास्ट को भूल जाओ प्रेजेंट में रहो भूल जाओ जो, जो हुआ रिलैक्स रहो बैलेंस रहो ठीक है यह पर्सन आप दोबारा से आप खुद ही आपको बम्प करेगा आगे ठीक है या बिल्कुल अकेले हो तो भी ये गुड नाइट ऑफ सोर्स है फास्टेस्ट कार्ड इन द होल डेक बहुत जल्द ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा और कहीं ना कहीं आपको मिल भी चुका है एम्प्रेस है ऑलरेडी आपके प्यार में गिरफ्तार हैं ओके एंड ऑलरेडी शी लव्स यू ही लव यू ओके ही लव्स यू वो पहले ही आपको प्यार करते हैं तो या दिस इज योर रीडिंग आई होप यू लाइक इट इफ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब नेक्स्ट टाइम बाय बाय चाओ